हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर ई वेरी वम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और आज यहाँ पे इस अबीपीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट हम समझेंगे यहाँ पे वाई टू प्रिपेयर फॉर आर बी आई ग्रेड बी एग्ज़ाम स्टूडेंट आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वाई आर बी आई ग्रेड बी का एग्जाम आपको क्यों देना चाहिए ठीक है ऐसा क्या है इस एग्ज़ाम के अंदर जो आपको बहुत ही ज़्यादा यू नो आपकी जो लाइफ है उसको वो थ्री सिक्सटी टर्न दे दे ठीक है आपको ये एग्ज़ाम ही क्यों टारगेट करने के लिए मैं बोल रही हूँ इसी पे हम कुछ टाइम के लिए कुछ यू you नो know, कुछ टाइम हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इसी पे ठीक है सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा क्वेरी भी रहती है आर ग्रेड बी को लेकर कि मैम आर ग्रेड बी के अंदर क्या क्या प्रिपेयर करना है किस तरीके से करना है राइट और ये वाला जो सेशन है स्टूडेंट वो आपको एक मोटिवेशन भी देगा ठीक है इनडायरेक्टली कि हाँ जी आपको इसको क्यों टारगेट करना चाहिए अगर अभी 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 तक आप सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ जी चलो ठीक है आर बी ए ग्रेड बी के लिए तैयारी करते हैं तो आज का मेरा सेशन देखने के बाद आप डेफ़िनेटली इसके बारे में सीरियस होकर सोचोगे कि यार कर ही लेना चाहिए सोच ही क्यों रहे हैं प्रिपेयर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देते हैं ठीक है जी तो बात करते हैं आर बी ए ग्रेड बी की तो सबसे पहले स्टूडेंट इसके क्या क्या बेनिफिट हैं यही चीज पता होनी चाहिए किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी ट्रिप पे गए ठीक है और आपकी किसी फ्रेंड ने बोला कि वो बहुत अच्छी जगह है ठीक है आप इतनी मुश्किल से वहाँ पे पहुंचे इतने हर्डल्स को क्रॉस करके एंड आफ्टर दैट आपको कुछ इतना मज़ा आया नहीं तो आप क्या करोगे बहुत ही डिसहार्टेड हो जाओगे है ना कि यार ये क्या था ठीक है और एक ये है कि आपको पहले से ही पता हो कि हाँ जी जगह बहुत ही अच्छी है आपने ऑलरेडी उस पर काफी सर्च कर रखी है या आपको किसी ने ऐसे बताया हुआ है कि हाँ जी काफ़ी आपको यू नो रिकमेंडेशन आपको उसके बारे में मिली है रिकमेंड किया है आपको एंड आफ्टर दैट जब वो आप उस जर्नी को यू you नो know, आप जा तय कर रहे होते हो ठीक है उस जर्नी पे आप निकलते हो तो उसमें चाहे कितनी भी हर्डल क्यों ना हो आ जाए आपको पता होता है कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं तो सेम आरबीआई ग्रेड बी है स्टूडेंट ठीक है इस एग्जाम को जब आप क्रैक करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्या क्या पर्कस हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हैं तो पहला जो स्टूडेंट हमारा है दैट इज अवर एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन यू नो दैट कि आर जो है वो एक बहुत ही एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया का पूरा जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको डिसाइड करता है आरबीआई ग्रेड आर जो हमारा बैंक है ठीक है तो आर बहुत ही एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तो एक अलग ही यू नो मज़ा भी होगा और एक्सपीरियंस भी होगा ठीक है राइट ओके ठीक है जी नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टेबल करियर प्रोग्रेशन ठीक है आर ग्रेड बी जब आप एग्जाम यू नो क्रैक करते हैं इसमें एक बहुत ही बड़ी बहुत ही अच्छी एक चीज जो ये है ना वो ये है कि स्टेबल करियर प्रोग्रेशन है कैसे बिकॉज इसमें टाइम टू टाइम आपकी प्रमोशन होती रहती है इवन जो इस टाइम के भी हमारे जो फोर डेपूटी गवर्नर हैं स्टूडेंट उनमें से वन ऑफ द वो उन्होंने आर बी ग्रेड बी को एग्ज़ाम को क्रैक करके ही जॉब ली थी इसका मतलब अगर आप टाइमली ठीक है अपनी एज के अकॉर्डिंग अगर आप टाइमली ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री की एज में अगर आप आर बी ग्रेड बी एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं तो आप एक you know, बहुत ही यू नो बहुत अमेजिंग जो आपकी uh, इमोशंस हैं वो भी होंगे और आप ला मतलब आपको एक अमेजिंग जॉब भी यहाँ पे मिलेगी मतलब कि एक अमेजिंग उस पर आप पहुँचोगे सीट पे पहुँचोगे ठीक है डेप्यूटी गवर्नर के जो हमारे होते हैं आरबी ग्रेड के बी के उनके पास आप देखिए इतनी ज्यादा पावर होती है ठीक है ओके ओके नेक्स्ट है हैंडसम सैलरी एंड पर्क सी हेयर स्टूडेंट ये तो सबसे बड़ा मोटिवेटर है ठीक है सबसे बड़ा सबसे ज्यादा अगर मोटिवेशन आती है तो इसी चीज से आती है ठीक है सी हेयर स्टूडेंट इन हैंड जो आपको सैलरी मिलती है ना दट इज़ ऑलमोस्ट वन लैख और इसके साथ साथ जितने आपको अलाउंसेस मिलते हैं आपको घर मिलता है गाड़ी मिलती है आपको बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं यू नो आपको ट्रैवल uh, का एक्सपेंसेस आपके मिलते हैं, मतलब कुल मिलाकर आपको अपनी लाइफ में किसी भी एक्सपेंसेस की आपको टेंशन लेनी ही नहीं है इवन आपकी फैमिली ऑल्सो ठीक है आपकी फैमिली की भी टेक केयर होती है ठीक है आपके चिल्ड्रंस ठीक है चलो चिल्ड्रन तक तो हम नहीं सोचते हैं ठीक है सबसे पहले तो अगर आप अनमेरिड है तो सबसे पहले तो मैरिज के बारे में सोचोगे अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचोगे ठीक है बट हाँ कुल मिलाकर आपकी जो सैलरी होती है स्टूडेंट वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम रहती है और यहाँ पे पर्कस भी बहुत अच्छे मिलते हैं आपको मेडिकल एक्सपेंसिज आपके ट्रैवल ट्रांसपोर्ट आपका रहने का खर्चा ठीक है खाने पीने का बहुत ज़्यादा आपको अलाउंसिस मिलते हैं इसके अंदर और सैलरी तो इसके अंदर बहुत अच्छी है ही है ठीक है जी ओके फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो ही ये है कि प्रिपरेशन इज एनालॉगस टू अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम लाइक से बी नाबार्ड ग्रेड ए स्टूडेंट। अगर आप प्रिपरेशन करते हो स्टूडेंट आरबी ग्रेड बी की तो सबसे जो यहाँ पे जो मुझे एज ए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा जो यहाँ पे बेनिफिट लगता है ना वो ये लगता है कि स्टूडेंट जब आप आर बी ग्रेड बी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आप बाकी रेगुलेटरी बॉडीज की एग्ज़ाम के लिए भी आप साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर सकते हैं जैसे कि सेबी नाबार्ड क्योंकि उसमें ना वो बहुत हेल्प करता है ठीक है क्योंकि ऑलमोस्ट जो एग्ज़ाम का सिलेबस है यहाँ पे ठीक है वो मैच करता है मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हंड्रेड परसेंट मैच करता है बिल्कुल भी नहीं करता ऐसे तो बिल्कुल नहीं है ठीक है बट हाँ कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज होता है स्टूडेंट अगर आप आर बी ग्रेड बी के लिए आप प्रिपरेशन करते हो क्योंकि इसमें आप जी एस बी करते हो मैथमेटिक्स आपकी रीजनिंग आपकी इंग्लिश आप सभी सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो और वही सेम आपको सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे भी करने होते ठीक है थोड़ा बहुत डिफरेंस तो स्टूडेंट हर एक एग्जाम में ही रहता है ठीक है बट हाँ इसके साथ साथ जैसे आपने आर बी ग्रेड बी का एग्जाम दिया ठीक है आपने उसके लिए प्रिपरेशन की ठीक है सोलो आपने आर बी ग्रेड बी की तब आप जो है वो रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम के बारे में भी आप इवन सोच सकते हैं कि हाँ जी मैं सीबी का एग्जाम भी दूँ मैं नबार्ड का एग्जाम भी दूँ ठीक है और भी एग्जाम है जैसे हमारा यूपीएससी ई पी एग्जाम है उसको भी आप इवन टारगेट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है स्टूडेंट अपना पैटर्न डू नॉट फोकस मच ऑन क्वांट एंड रीजनिंग ये मेरे को एक बहुत अच्छा यहाँ पे यू नो प्लस पॉइंट लगा कैसी yes, स्टूडेंट होता है क्या ना कई बार स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको क्वांट और रीजनिंग बहुत यू नो डरा है जैसे इवन पर्सनली मुझे भी ऐसा फील होता है ठीक है बिकॉज आई एम मेडिकल स्टूडेंट ठीक है इतनी प्रॉब्लम तो नहीं है बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है के अंदर क्या है ना एक बेनिफिट ये है स्टूडेंट की आपको फेज वन के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ आपको क्वांट और रीजनिंग प्रिपेयर करनी होती है और स्टूडेंट सबसे अच्छी बात पता है क्या है यहाँ पे वो ये है स्टूडेंट की आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करनी होती है सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करनी होती है आपको इसमें ठीक है और इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ऐसे आप डीमोटिवेट मत होना जैसे कि इसमें जो आपकी क्वांट और रीजनिंग का पोर्शन रहता है ना स्टूडेंट वो इतना डिफ़िकल्ट होता है ठीक है मतलब उसमें बच्चे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते ऐसे जैसे मान लो आप दो पर्सन हो आपको आपको जैसे अग, आपको क्वांट जो है वो ठीक ठाक आती है एक आपके साथ का बंदा है वो भी आर ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहा और उसको बहुत अच्छी क्वांट आती है उसने ऑलरेडी बैंकिंग वैंकिंग के काफ़ी पेपर दे रखे हैं कैट वगैरह के तो उसकी क्वांट बहुत अच्छी है तो ऐसा मत सोच लेना बच्चे कि भाई आपका तो बिल्कुल नहीं होगा और उसका रुकेगा नहीं हो ही जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है क्यों क्योंकि क्वांट का जो वहाँ पे सेक्शन आता है स्टूडेंट वो काफ़ी डिफिकल्ट आता है बट हाँ एक चीज सोचिए यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करनी है और वो बहुत कम रहती है स्टूडेंट ठीक है बहुत ही कम रहती है उसको बस आपको क्लियर करना होता है और फेज टू के अंदर तो क्वांट रीजनिंग आती ही नहीं है सो दैट्स वाई स्टूडेंट दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन आर बी ग्रेड बी अगर आपका क्वांट और रीजनिंग अगर आपका ठीक ठाक है तो भी आप इसमें आराम से अपनी सेक्शनल क्लियर कर जाओगे क्योंकि वो बहुत कम रहती है ये बहुत ही कम रहती है उसकी कट ऑफ और वो हर एक बच्चा जो है जिसकी क्वांट ठीक ठाक है ठीक है वो अपने आराम से क्लियर कर ले जाते हैं ठीक है थीके? ओके okay, बाकी इस पर थोड़ी डिटेल डिस्कशन हम किसी और सेक्शन में करेंगे स्टूडेंट ठीक है क्वांट और रीजनिंग को लेकर बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है और मेरे पास काफ़ी क्वेरीज भी आती हैं तो उस पर हम थोड़ा सा अलग से डिस्कशन करेंगे किसी दिन अलग से सेक्शन बना के ठीक है ओके ठीक है लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि यूपीएससी प्रिपरेशन आल्सो हेल्प्स इन सर्टन वे सी हर स्टूडेंट यहाँ पे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि भाई जो यूपीएससी है वो आपको डायरेक्टली हेल्प करेगी भाई आपको डायरेक्टली जो है वो यूपीएससी हेल्प कर देगी ऐसा कुछ नहीं है सीयर स्टूडेंट डायरेक्टली तो हेल्प नहीं करेगी बट हाँ इनडायरेक्टली वो आपकी काफी हेल्प कर देगी कैसे कैसे जैसे कि करंट अफेयर सीयर स्टूडेंट जो करंट अफेयर है ना वो यूपीएससी में जब आप रेडी करते हो तो आप उसको काफी एनालिटिकल और डेप्थ में क्वेश्चन वहां पे आते हैं बट आरबीआई के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन जो फैक्ट वाइज होते हैं ठीक है पठा लेवल काफ़ी अच्छा खासा होता है अच्छा इसमें क्या है ना स्टूडेंट अगर आपने ऑलरेडी आपने जैसे यू के लिए प्रिपरेशन कर रखी है तो उसके अंदर जैसे आप मेन्स के अंदर आप ऐसे प्रिपेयर करते हो तो वही आपको आपको आंसर राइटिंग वही आपको आरबीआई में भी हेल्प करता है इधर भी आप आंसर राइटिंग करते हो उधर भी आपको आंसर राइटिंग करने में हेल्प होती है ठीक है इधर भी आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ते हो किसके अंदर आपके यूपीएससी के अंदर सेम आपको हेल्प करता है आपकी आरबी ग्रेड बी के अंदर भी ठीक है तो जीएस वाला जो पोर्शन होता है स्टूडेंट वो जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं एस्पिरेंट्स होते हैं उनका काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है जिसका कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है वो आरबी ग्रेड बी में आपको डेफिनेटली होता ही होता है ठीक है तो अगर आपका जीएस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है ठीक है आपने पहले ही यूपीएससी की प्रिपरेशन की हुई है ऑलरेडी आपने उसके एक दो तो दिए हुए हैं या आपने एक भी अटेम्प्ट दिया है सीरियसली और आपने प्रीलिम्स और मेंस की बहुत अच्छी खासी तैयारी कर रखी है तो इधर आपको आर ग्रेड बी में भी उसकी हेल्प मिलेगी ही मिलेगी जीएस के अंदर स्पेशली ठीक है तो जीएस के अंदर आपके अच्छी खासी मार्क्स आते हैं जिसको आ, आर की ओवरऑल जो कट ऑफ होती है उसको आप क्लियर करने में वो आपको हेल्प करते हैं ठीक है तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर आप यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी स्टूडेंट आप आरबी ग्रेड बी को टारगेट कर सकते हैं बहुत ही इजिली तरीके से ठीक है जी ओके क्लियर आपको ये बात ठीक है जी तो ये मेरे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स थे जो वर्क करेंगे एज ए मोटिवेशन का भी और आपको यू you नो know, आपको फिर अगर आप सिर्फ अभी तक सीरियसली नहीं सोच रहे थे आरबी ग्रेड बी के बारे में अब आप डेफिनेटली सोचोगे कि जी इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो क्यों ना आरबी ग्रेड बी को हम टारगेट करें ठीक है एक्सीलेंट सैलरी है पर्क्स हैं आपके पास स्टेबल करियर प्रोग्रेशन है सेंटर गवर्नमेंट की जॉब है ठीक है एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करने का आपको मौका मिलेगा ठीक है और पैटर्न भी आपका यहाँ पे अच्छा अच्छा है ठीक है अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तब भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपके ग्रा ग्रेड बी एग्जाम के अंदर तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट अभी पी लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट कोर्स जिसमें ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है स्टूडेंट जिसमें आप फेज वन और फेज टू कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर द आर ग्रेड बी एग्जाम के लिए तो स्टूडेंट इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इवन वहाँ पर आपको सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइड होगा आप उस पर कॉल करके कोई भी अगर आपका डाउट है रिलेटेड टू आर ग्रेड बी तो आप कॉल भी कर सकते हैं ठीक है जी इसमें आपको फेज़ वन फेज टू की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी जिसके अंदर आप सारे सब्जेक्ट्स को आप रेडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स प्लस आपको इसमें करंट अफेयर्स टेस्ट हर चीज इसके अंदर इंक्लूड है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है जी ओके ओके ठीक है स्टूडेंट तो मैं इसी के साथ ये सेशन कर रही हूँ ओवर ठीक है एंड आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा ठीक है जो भी स्टूडेंट आर बी ग्रेड बी को टारगेट करने वाले हैं ठीक है जी ओके ओके थैंक यू थैंक यू सो मच एंड हैव हैवे नाइस डे